बचपन में सीआईडी देखते टाइम जितना सस्पेंस क्रिएट नहीं होता था उससे कहीं ज्यादा सस्पेंस क्रिएट दोस्तों फ्राइडे के दिन आखिरी टाइम का फॉल में ही हो गया कि भाई मंडे के दिन इसका क्या इफेक्ट रहेगा। और जो लोग मेरे फ्री वाले ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मेरे भाई लाइव मार्केट में जब भी मार्केट सस्पेंस क्रिएट करता है उसका आंसर मैं ऑलरेडी पहले दे चुका होता हूं। जैसे उस दिन क्लियर कट लाइव मार्केट में कह दिया था कि 52,000 के नीचे हमें बैंक निफ्टी ऑप्शन में पुट को बाय करना है, इसके नीचे गिर जाएगा बोल के ब्रेकआउट होने से पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने कह दिया था। और जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ 200 पॉइंट का फॉल दोस्तों लाइव मार्केट में आप देख सकते हैं हुआ है। आप पुट खरीदते वन फ्लो में पैसा मिलता यार, दो कैंडल ही काफी था पैसा कमाने के लिए। तो जाके फ्री वाले ग्रुप अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए। कल के दिन मेरे भाई बैंक निफ्टी निफ्टी फिर निफ्टी में क्या हो सकता है देखने वाले हैं। आप बोलोगे भाई कल के दिन तो दो दो एक्सपायरी है बैंक एक्स और मिड कैप का, उसका भी हमें वीडियो चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे भाई प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं बैंक एक्स एक्सपायरी स्पेशल डाल दिया, मिड कैप एक्सपायरी स्पेशल डाल दिया, डेली में दो वीडियो डालता हूं। तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इवेंट टेलीग्राम ग्रुप पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आज के दिन दोस्तों मैंने 12 वीडियो फ्री में सेंड किया हूं और प्रॉपर ये सारा स्ट्रेटेजी कवर है। ये वीडियो में हर एक वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी बता के रखा हूं, जो पहले मैं अपलोड कर चुका हूं उसका पूरा वॉचलिस्ट में सेंड किया हूं आज के दिन, तो जाके उस वीडियो को भी देखिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और जो भी आपने कॉल पुट लिया है दोस्तों कमेंट कर लीजिए, कल सुबह 8:30 बजे मैं रिप्लाई देने वाला हूं। और ये वीडियो का लाइक एम है 120 लाइक दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट भी किए कि भाई कब डालोगे बैंक निफ्टी निफ्टी का, दो दिन हो गया उसका कोई अपडेट नहीं है। मेरे भाई डाल दिया आप सबके लिए, तो यार ये वीडियो पे 120 लाइक का टारगेट तो कंप्लीट होना ही चाहिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्लान नंबर अगर मैं एक ही बात करूं दोस्तों बैंक निफ्टी का, कल के दिन के लिए सिंपल रहने वाला है मेरे भाई। अगर आप देखोगे पहले हाफ कहीं ना कहीं फॉल हुआ, लेकिन सेकेंड हाफ होते होते और भी ज्यादा फॉल हुआ, यानी कि ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो बेयरिश की तरफ थोड़ा सा आपको दिख रहा है। तो प्लान नंबर ए, अगर मार्केट फ्लैट टू कहीं ना कहीं लिटिल कहीं ना कहीं गैप अप हुआ, उसके बाद 52,146 आपको ब्रेक डाउन करता हुआ दिखा, मेरे भाई पुट बाय करेंगे। अब इसके पीछे मैं आपको एक एक करके रीजन बता देता हूं, लेकिन ये याद रखिए 52,146 बिलो टूट के तरफ जाएंगे। पहला रीजन है दोस्तों ट्रेंड लाइन, ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन जरा देख लीजिए। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं ये एनालिसिस कर रहा हूं। एक बार ट्रेंड लाइन को टच किया अपसाइड का मोमेंटम, दूसरी बार कहीं ना कहीं टच किया अपसाइड का मोमेंटम, और तीसरी बार दोस्तों अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन डॉट टच किया और 3 ग्रीन कैंडल, यानी कि यही ब्लू ट्रेंड लाइन कल के लिए सपोर्ट रहने वाला है। अगर ये ब्लू ट्रेंड लाइन टूट के कहीं ना कहीं आपको लोअर लो प्राइस सेक्शन देखने को मिल गया, तो वैसे भी दोस्तों डाउन साइड की तरफ बैंक निफ्टी कन्वर्ट होने ही वाला है। दूसरा क्या रीजन है, दूसरा रीजन है कि ये एक सपोर्ट जोन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों यहां पे प्रॉपर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस था, इसी रेजिस्टेंस को जब बैंक निफ्टी ने तोड़ा बार बार सपोर्ट लिया, एक बार लिया ऊपर उछला, दो बार लिया ऊपर उछला, तीन बार लिया इतना बड़ा आप दे दिया सडनली। तो सिंपल बात है, इवन फ्राइडे के दिन भी अगर आप देखोगे दोस्तों डॉट इसी कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन पे आके क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी, यानी कि टच करके थोड़ा सा अपसाइड का मूवमेंट दिया है। तो ट्रेंड लाइन टूटना और इतना बड़ा जब सपोर्ट जोन टूटेगा, एक दो कैंडल एक ग्रीन कैंडल ऊपर जाके दो ग्रीन कैंडल ऊपर जाके जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा ना दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं, लोअर लो अगर आपको प्राइस सेक्शन देखने को मिल गया देन डेफिनेटली हम पुट के तरफ जाएंगे। ये प्लान नंबर ए पे मैं इंक्लूड कर दिया, आपको समझ में आ गया। प्लान नंबर बी थोड़ा ट्रिकी है, ये आप ध्यान से समझिए। अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट टू लिटिल गैप अप खुल के ऊपर जाता है और 52,476 52,476 को टच करता है, टच करते ही यहां से आपको अगर लोअर लो देखने को मिल गया तो पुट बाय करना है। 52,476 लेवल को टच करता है, यहां से एम पैटर्न देखने को मिल गया तो भी पुट बाय करना है। अगर ये लेवल को टच करके यहां से आपको एक रेड कैंडल देखने को मिला तो भी दोस्तों आपको कहीं ना कहीं पुट के तरफ जाना है। अब 52,476 के
लेवल के पीछे रीजन क्या है। रीजन सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे अच्छा खासा डाउनफॉल हुआ फ्राइडे के दिन, और एक ही ऐसा पॉइंट था 52,476 जहां से बैंक निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर तो गया था, यानी कि क्लियरली आप देख सकते हैं फॉल हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट क्रिएट हुआ, ऊपर थोड़ा सा गया, लेकिन सेकेंड हाफ में क्या हुआ, ये सपोर्ट तोड़ दिया। अगर आप देखोगे 2:35 का जो कैंडल है वो सपोर्ट तोड़ दिया, सपोर्ट टूटा, कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं 6-7 रेड कैंडल लगाया, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है, यानी कि दोस्तों उस दिन ही सपोर्ट क्रिएट हुआ था और ये सपोर्ट उसी दिन ही टूट गया, यानी कि अब ये बन चुका है दोस्तों रेजिस्टेंस, तो इसको टच करेगा तो यहां से कहीं ना कहीं आप डाउनफॉल का उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आखिरी टाइम जो है वो डाउनफॉल दिया है। तो मार्केट का जो पैटर्न है, बेसिकली मैं समझा देता हूं, मैंने सारा ड्राइंग रिमूव कर लिया सो देयर आपको एक क्लियरिटी मिले। अब जो हम 52,476 का लेवल डिस्कस किए थे, अब आपको रीजन समझ में आ रहा है, मार्केट डाउन गया, सपोर्ट क्रिएट किया, ऊपर गया, सपोर्ट को तोड़ के मार्केट नीचे आ गया, अब जब फिर ऊपर जाएगा ये रेजिस्टेंस बन चुका होगा, इसको टच करके फिर मार्केट अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो बेसिकली मार्केट का जो ट्रेंड है दोस्तों, ऊपर चलने का ट्रेंड, अपसाइड, एक डिप, फिर अपसाइड, फिर डिप, फिर अपसाइड, ठीक वैसे ही जब डाउनसाइड मार्केट आता है, आप सबको पता है, एक डाउन मूव, एक पुल बैक एंड देन डाउन मूव, अगेन एक पुल बैक एंड देन डाउन मूव। तो ठीक दोस्तों यहाँ पे जो पुल बैक कहाँ तक करने जा सकता है मार्केट, 52,476 तक, मतलब मार्केट डाउन गया, एक पुल बैक मारा, फिर नीचे डाउन, फिर एक पुल बैक मारेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, अगेन डाउन। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वही मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। प्लान नंबर भी आपको समझ में आ गया। प्लान नंबर सी की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा रिस्की है, और वो सेम ही लेवल रहेगा दोस्तों, यानी कि 52,476 का ही लेवल रहेगा, जो मैंने कहा कि भाई ये पहले सपोर्ट था लेकिन टूट गया, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर ऐसा कुछ हुआ कि कल के दिन मार्केट फ्लैट टू लिटिल गैप अप खुल के थोड़ा सा साइड हुआ एंड देन ब्रेकआउट करेगा 52,476 लेवल को, फिर रिटेस्ट मारेगा, फिर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा हायर हाई दोस्तों, ये हाई ब्रेकआउट होने के बाद कहीं ना कहीं आप बाइंग की तरफ जा सकते हैं प्रॉपर, लेकिन प्राइस एक्शन इस टाइप का पूरा दिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस है, थोड़ा रिस्की रहेगा, फिर बाइंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है दोस्तों वो ऊपर की तरफ है, तो यहां से ट्रेंड भी चेंज हो सकता है, बट प्रायोरिटी में जेन्युइनली बोलूं तो सेल के साइड ही देने वाला हूं। अगर इस लेवल पे कल के दिन मार्केट आया तो मैं देखूंगा शांति से बैठ के कि भाई हो क्या रहा है, अगर इस लेवल से यानी कि 52,476 रिजेक्शन मिला तो ठीक है पुट बाय करेंगे, या फिर प्रॉपर ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके फिर ऊपर जा रहा है दोस्तों, तो डेफिनेटली हम कॉल के तरफ जा सकते हैं, क्लियर है। और बाकी तो दोस्तों प्लान नंबर डी की बात करूं, अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुल गया ना, चांस ही नहीं है फिर ऊपर जाने का, मार्केट फिर नीचे चला आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है, यहां से अगर आप देखोगे दोस्तों उस दिन एक टॉप लगाया मार्केट ने, एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, डाउनफॉल दिया, फिर ऊपर गया, यहां पे दूसरा रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर कंटिन्यू डाउनफॉल, तो यहां पे सेलर एक्टिवेट है, यहां पे सेलर एक्टिवेट है। अगर कल गलती से गैप अप खुल गया इसी सेलर एक्टिवेट जोन पे या फिर इसी जोन पे, तो मार्केट को फिर नीचे आना ही है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश सेलर हैं, और जितने भी लोग कहीं ना कहीं दोस्तों कॉल वगैरह खरीद के गए होंगे, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अपना जो बाय पोजीशन है कल गैप अप खुलने पे, वो हमें कहीं ना कहीं लाइक बुक आउट करते हुए दिखेंगे अपना प्रॉफिट को, तो बाय वाले एग्जिट करेंगे तो सेल में कन्वर्ट होगा, मार्केट नीचे आएगा। तो गैप अप खुलने पे, जो मैं हमेशा कहता हूं, पहला जो 5 कैंडल बनेगा उसका लो टूटने पे पुट बाय करना है, लोअर लो आपको प्राइस एक्शन दिखा तो पुट बाय करना है, या फिर गैप अप खुल के एम पैटर्न दिखा तो भी पुट बाय कर सकते हैं, ठीक है। एक ही कंडीशन पे दोस्तों आराम से कॉन्फिडेंटली बाइंग करेंगे, वो है अगर मार्केट गलती से गैप डाउन खुल गया इस एरिया या फिर इस एरिया पे। इसके पीछे दोस्तों रीजन बहुत सिंपल है, यहां पे देखोगे तो नीचे प्रॉपर सपोर्ट है, यहां पे प्रॉपर सपोर्ट है, यहां पे प्रॉपर सपोर्ट है, तो अगर गैप डाउन खुला
तो सपोर्ट जोन पे ही आएगा और डेफिनेटली मार्केट फिर ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा अपना ट्रेंड। तो गैप डाउन खुला तो डब्ल्यू पे 10 या फिर दोस्तों हायर हाई बनते हैं हम कॉल खरीदेंगे। 52,339 पे कहीं ना कहीं क्लोज दिया है बैंक निफ्टी। अब आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, ये हमारे कॉल राइटर, ये हमारे पुट राइटर, और 52,339 के आसपास क्लोज दिया 52,400 पे, 135,000 से ज्यादा कॉल राइटर, 52,500 पे 481,000 से ज्यादा कॉल राइटर, 52,600 पे 672,000 से ज्यादा कॉल राइटर, और 52,700 पे 800,000 से ज्यादा कॉल राइटर। हर एक लेवल पे, लेवल जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जा रहा है कॉल राइटर भी उतने ही नंबर पे बढ़े हैं, 4,00,000, 6,00,000, 8,00,000। तो बढ़िया, मैं कहना चाहूंगा जो रेजिस्टेंस है वो 52,700 है जहां पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है। सो अबव 52,700 हम बाइंग की तरफ जा सकते हैं, क्लियर व्यू मिलेगा। नीचे की बात करूं तो पुट राइटर नहीं है नीचे, अगर आप देखोगे दोस्तों 52,300 के लेवल पे 1,68,000, उसके नीचे तो ओनली एंड ओनली 12,000 52,200 के लेवल से, और 52,100 के लेवल से तो -30,000 पुट राइटर भागे हैं। हद तो तब पार हो गया, 52,001 राउंड लेवल है, उसका कोई इज्जत नहीं है दोस्तों ऑप्शन चेन पे। ओनली 9,000 पुट राइटर बैठे हैं, यानी कि मेरे भाई पुट राइटर भी डरे हुए हैं, जबकि बैंक निफ्टी है 52,300 पे, और उसके 300 पॉइंट नीचे 52,000 के राउंड लेवल तक भी अगर आप देखोगे उसमें भी पुट राइटर नहीं है, ओनली 9,780 से ज्यादा पुट राइटर है। तो बिलो 52,000 हम कहीं ना कहीं इजीली बाइंग, लाइक पुट बाइंग की तरफ जाएंगे, बट 52,200 टूटा तो भी सेल साइड जाएंगे तो कोई वैसे भी दिक्कत नहीं, क्योंकि पुट राइटर नहीं है उतना। अब चले जाते हैं दोस्तों निफ्टी पे। निफ्टी की अगर मैं बात करूं, प्लान नंबर ए, अगर निफ्टी फ्लैट खुला एंड 24,482 बिलो प्राइस सेक्शन देखने को मिला तो पुट बाय करेंगे, बट 24,442 बिलो हम और भी एग्रेसिव पुट की तरफ जा सकते हैं, यानी कि 26,482 के नीचे तो पुट बाय करेंगे, बट 24,442 के नीचे हम एग्रेसिवली जाएंगे। एक एक करके मैं रीजन बता देता हूँ, 26,482 का रीजन तो आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा। पहला दोस्तों, अगर आप देखोगे सिग्नल है ट्रेंड लाइन टूटना, एक बार ट्रेंड लाइन टच की आपकी मोमेंटम, दूसरी बार यहाँ पे देखोगे दोस्तों कहीं ना कहीं अपसाइड का मोमेंटम, और आखिरी टाइम पे क्या हुआ, उस दिन ट्रेंड लाइन टूट गया, पहला सिग्नल ट्रेंड ब्रेक डाउन होने का। दूसरा कंफर्मेशन कब मिलेगा, 26,482, एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया है, अगर इसके नीचे आता है तो पुट बाय करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लान नंबर ए पे बिलो 24,482 हम पुट के तरफ जाएंगे, बट जो मैंने एक बात कहा कि 24,442 बिलो हम क्यों एग्रेसिवली पुट के तरफ जाएंगे, इसके पीछे भी रीजन है। यहां पे अगर आप देखोगे 24,442 पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहां से डाउनफॉल का मोमेंटम, यहां पे देखोगे दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, डाउनफॉल का मोमेंटम, और यही रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया तो अब ये कहीं ना कहीं सपोर्ट बन चुका है निफ्टी में। इसी सपोर्ट के नीचे जाएगा तो बड़ा फॉल आएगा। प्लान नंबर अगर मैं बी की बात करूं दोस्तों, तो अगर मार्केट फ्लैट टू गैप अप खुल के इसी रेजिस्टेंस जोन पे चला आया तो यहां से फिर हमें सेल देखने को मिलेगा, यानी कि अगर मार्केट फ्लैट टू लिटिल गैप अप खुल के 24,574 से 24,592 इसको टच करेगा तो यहां से टच करके अगर लोअर लो दिखा तो पुट बाय करेंगे, इसको टच करके आपको एम पैटर्न दिखा तो पुट बाय करेंगे, इसको टच करके एक प्रॉपर रेड कैंडल दिखा तो पुट बाय करेंगे। रीजन बहुत सिंपल है, यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों कहीं ना कहीं एक बार रेजिस्टेंस लिया एंड देन डाउन, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया डाउन, मंडे के दिन भी इसी रेजिस्टेंस पे आएगा फिर होगा डाउन, क्योंकि यहां पे फ्रेश सेलर बैठे हैं। प्लान नंबर सी, अगर 24,592 ब्रेकआउट करना है, जो दो बड़े बड़े रेजिस्टेंस हैं उसको ब्रेकआउट करना है मंडे के दिन, जो कि चांस थोड़ा कम है, मान लेते हैं हो जाता है तो डेफिनेटली हम फिर बाइंग की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। बाकी प्लान सेम है दोस्तों, गैप अप गैप डाउन पे तो आपको बताएं क्या करना है, जो मैंने बैंक निफ्टी में कहा वही सेम है। 26,512 के आसपास क्लोज दिया है निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, कॉल राइटर पुट राइटर एंड 24,500 के आसपास क्लोज दिया है। 24,500 पे 1,000,000 से ज्यादा कॉल राइटर जहां पे क्लोज दिया है वहां पे कॉल राइटर बैठे हैं। 24,550 पे 8,00,000 और 24,600 पे
अगर आप देखोगे 948,000 से ज्यादा कॉल राइटर, सो अबव 24,600 ही हम बाइंग की तरफ जा सकते हैं। नीचे की अगर मैं बात करूं, नीचे कोई कम ऐसे पुट राइटर नहीं है, ह्यूज पुट राइटिंग है, भले ही बैंक निफ्टी में ना हो लेकिन निफ्टी में तो है। अगर आप देखोगे दोस्तों, क्योंकि लाइक फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी फिन निफ्टी अच्छा गिरा बट निफ्टी उतना नहीं गिरा। आप अगर चार्ट को देखेंगे, आप खुद देख लीजिए तो निफ्टी में पुट राइटर क्यों है, आप ध्यान से देख सकते हैं चार्ट को दोस्तों। निफ्टी कहीं ना कहीं स्टेबल होके रह गया, बुलिश भी अच्छा खासा दिखाया था, स्टेबल रह गया। लेकिन बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, जितना बुलिश दिखाया था वो तो गिरा गिरा, उससे और थोड़ा सा नीचे भी आ गया था। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ज्यादा बेयरिश है निफ्टी के कंपैरिजन में, इसीलिए निफ्टी में पुट राइटर हैं, उनको भरोसा है कि निफ्टी गिर नहीं सकता बोल के। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ठीक है, अच्छा खासा पुट राइटिंग है। तो 26,400 पे 35,00,000 पुट राइटर है, तो बिलो 24,400 हम पुट के तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब चले जाते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसका भी मतलब सेम तो बैंक निफ्टी का कॉपी है। तो फिन निफ्टी सिंपल है, अगर फ्लैट खुला 23,548 अगर ब्रेक डाउन किया तो पुट बाय करेंगे, क्योंकि प्रॉपर कहीं ना कहीं सपोर्ट है, सपोर्ट टूटा तो पुट बाय करेंगे, दो बार सपोर्ट ले चुका है। और फिन निफ्टी में भी दोस्तों ट्रेंड लाइन टूट चुका है, एक बार दो बार ट्रेंड लाइन टच किया लेकिन आखिरी टाइम में ट्रेंड लाइन टूट गया। तो बस इंतजार है कि सपोर्ट जोन टूटना 23,548 बिलो, और अगर आपको बाइंग वगैरह करना है तो 23,474 बाय कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो एक रेजिस्टेंस है। क्लियर हो गया, बाकी सेम है दोस्तों गैप अप और गैप डाउन का। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी पापा को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।